खुश, बहुत खुश। मनाया, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी आज मुझे। ऐसी खुशी जिसको मैं अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। आओ, हाय हाय, अल्लाह खैर, क्या हुआ? है? कुछ नहीं खाला। अरे ठीक, चोट तो नहीं लगी? नहीं खाला जी, मैं ठीक हूँ। तो फिर वो गिफ्ट वगैरह? सना देखो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता और मुझे इन सब चीजों से दूर रखो। और एक रिक्वेस्ट मैं तुमसे और करना चाहता हूँ, अब मुझे कॉल मत करना। जल्दी करो, यहाँ से भी करो। अब ये भी तुम्हें मैं बताऊँ कि सफाई कैसे करते हैं? जल्दी करो, इतनी देर लगा दी, अब तक तुम सफाई नहीं करवा सकी? तुम करती क्या हो सारा दिन? है तुम्हारी इतनी सी गलती का बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता था मुझे। I'm sorry मुमाने जान, आइंदा से ख्याल रखूंगी। समझाया भी था कि ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है बल्कि तुम्हारा फर्ज है, मगर तुम्हें तो होश ही कुछ नहीं। और हाँ, अरहाम से कुछ मत कहना, वो बहुत परेशान होगा खामखा। जी मुमान। ये तो शुक्र है अल्लाह ताला ने बरकत कर दी, बचत होगी। चलो तुम घर जा रही हो ना? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। कम ऑन यार राबिया, बैठ जाओ, हम रिश्तेदार भी हैं। इन्हीं रिश्तों से तो डर लगता है। अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाभी कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मगर मुझे नहीं, मनाहिल को। मनाहिल को क्या मतलब है आपका? सब ठीक तो है ना? अरहाम तुम घबराओ मत, कोई खतरे वाली बात नहीं है, मगर वो आज क्या हुआ भाभी बताइए। वो मनाहिल का पांव आज फिसल गया था, वो गिरते गिरते बची है। क्या वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, खतरे की कोई बात नहीं है, शुक्र अल्लाह का सब ठीक है, लेकिन बेचारी बहुत परेशान है। मैं देखता हूँ। और हाँ एक मिनट, वो मुमानी ने उसे तुम्हें बताने से सिर्फ इस वजह से मना किया है ताकि तुम्हें परेशानी ना हो, लेकिन इस हालत में छोटी से छोटी चीज भी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। मेरी मानो तो तुम उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं जानती हूं वो खुद से तुम्हें नहीं कहेगी। अरहाम, मुझे तुम्हारी और इस घर की खुशियां बहुत अजीज हैं, तुम बस मनाहिल का ख्याल रखा करो, जाओ। ठीक है, थैंक्स।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आपका आज का दिन? मेरा तो बहुत अच्छा रहा, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा? मेरा दिन भी बहुत अच्छा रहा, पर बहुत ज्यादा बोर होती हूँ क्योंकि ज्यादा कुछ करने को नहीं होता ना। बस और कुछ नहीं बताना आज के हवाले से? नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं है। और वो जो तुम्हारा पैर स्लिप हुआ था? नहीं अरहम, वो बस है। तुम्हें अपना जरा सा भी ख्याल नहीं है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? नहीं मैं ठीक हूँ अरहम, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। हाँ अगर हो भी जाता तो तुमने मुझे कौन सा बताना था? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। चलो उठो, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं सीरियसली अरहम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, मैं भी चेंज करके आता हूँ। असलम जी। अम्मी मनाहिल तो नहीं आई यहाँ पे? नहीं अम्मी, क्यों? पता नहीं अपने कमरे में भी नहीं है। और मोमानी जान मेरे ख्याल से डॉक्टर के पास गई है। डॉक्टर के पास? जी मोमानी जान, अब आप तो जानती हैं ना मनाहिल को कहाँ रुकती है, जो दिल में आता है बस वो ही करती है। अब हमारी तरह तो नहीं है जो एक बार मना कर दें तो आराम से बैठ जाएं। मुझे अच्छी तरह याद है आपने मनाहिल को मना किया था, लेकिन मनाहिल कहाँ सुनती है। बस मुझे तो लगता है कि अरहाम को भी जबरदस्ती ले गई होगी अपने साथ। बेचारा पूरा दिन ऑफिस से थका हुआ आया था, जैसे ही आया साथ ही चल पड़ी। वैसे मुमानी उसे आपकी बात का तो मान रखना चाहिए था ना। डॉक्टर साहब सब खैरियत तो है ना? जी जी सब खैरियत है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मनाहिल आप बिल्कुल ठीक हैं और बिला वजह कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, और काम में आप जरा एहतियात कीजिएगा। शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू। तुमने लंच टाइम पे किया था? जी। तबीयत कैसी है? आप कैसे हैं? तुम भी ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी आप इसे समझाती क्यों नहीं है? क्या समझाऊं? क्या समझाऊं मतलब? इसे नहीं जाना चाहिए था। इस हालत में 100 कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए। हाँ भाई सही कह रहे हो तुम, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हर कोई इस घर में अपनी मर्जियां करने लगा। मैडम आज के बाद से तुम कोई काम नहीं करोगी, और अम्मी आप एक नहीं दो दो नौकर रखेंगे और इसे बिल्कुल काम करने नहीं देंगे, और अगर इसने काम करने का बोला तो मुझे बताएंगे। सॉरी। सॉरी क्या यार, अंडरस्टैंडिंग की बात है। आराम सही कह रहे हैं मनाहिल, देखो जो ये कहता है वही करो, हमारे लिए बेहतर है। जी खान चलो जाओ आवश्यक अपने कमरे में आराम। राबिया एक मिनट, राबिया ऐसा क्यों कर रही हो यार? What's wrong with you यार, मेरे साथ इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो तुम? राबिया जवाब दो, मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरी किस्मत का है। तुम्हारा मतलब है कि
प्लीज राबिया देखो मैं अरसान प्लीज मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी राबिया प्लीज मेरी बात अरहाम क्या हुआ आपको ये कपड़े नहीं पहने नहीं मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा क्यों क्योंकि मैं आज तुम्हारे साथ रहूंगा इसकी कोई जरूरत नहीं अरहाम आप चले जाए ऑफिस में बिल्कुल ठीक हूँ नहीं मैं यहाँ रुककर तुम्हारा ख्याल रखूंगा पर मेरा ख्याल तो आप ऑफिस के बाद भी रख सकते हो मेरे घर पे रहने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं फिर बहस क्यों कर रही है आपको ऑफिस में कोई इम्पोर्टेंट काम भी तो हो सकता है अगर कोई इम्पोर्टेंट काम आएगा तो कोई ना कोई घर पे भेज देगा और वैसे भी ऑफिस में असलम भाई मौजूद है लेकिन फिर भी अरहाम बहस बिल्कुल नहीं करना मैं यहाँ रुककर तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं और सारे घर वालों को भी बता दूंगा ताकि कोई गैर जरूरी काम तुम्हें ना दे दे आज जो भी ऑफिस में काम होगा मैं कल कर लूंगा वैसे भी एक दिन छुट्टी करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं भी आता हूं और हाँ आज ऑफिस नहीं जाएगा क्या पता नहीं क्यों क्या लेट जाने का इरादा है मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुमानी जान मैं बुलाने गई थी लेकिन उसने आने से मना कर दिया कह रहे थे नाश्ता भी शायद कमरे में ही करेंगे और हाँ वो ये भी कह रहे थे कि आज वो ऑफिस नहीं जाएंगे क्यों पता नहीं मुमानी जान शायद मनाहिल ने मना किया हो जाने से मुमानी जान आपको ऐसा नहीं लगता कि मनाहिल कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है मेरा मतलब है कि मेरे जमाने में मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता ऐसा कुछ अब देखिए ऑफिस में 10 तरह के काम होते हैं और संभालने वाले अब सिर्फ ये 2 हैं अच्छा सना कहाँ अब सना कमरे में सो रही थी शायद उसे भी आज नहीं जाना होगा चलो सोने दो उसे रात को जागती रही है नींद पूरी कर लेंगे मतलब सना जल्दी नहीं उठेगी जी खलील साहब मैंने कस्टमर से बात कर ली है हाँ जी आप उसको देख लीजिए सना मनाहिल मैं छत पे गिर गई हूँ बहुत बुरी तरह से तुम प्लीज छत पर जल्दी से आ जाओ हाँ बहुत दर्द हो रहा है जल्दी से आ जाओ हाँ मैं बस आ रही हूँ भाभी मनाहिल कहाँ गई पता नहीं मैं तो खुद तुमसे यही पूछने वाली थी
हाँ सना कहाँ तुम? बताया तो था छत पे। नहीं मतलब टेरेस वाली या ऊपर वाली? सबसे ऊपर वाली छत पे। मनाहिल जल्दी आओ, मेरी डर से जान निकल रही है, जल्दी आओ प्लीज। हाँ हाँ मैं बस आ रही हूँ। अम्मी मनाहिल को कहीं देखा? नहीं तो क्यों, कहाँ है? कमरे में भी नहीं है, पूरा घर छान मारा है, कहीं नहीं मिल रही है। अरे अल्लाह खैर करे, यहीं कहीं होगी बेटा, सही से देखो जाके। जी कहाँ जा सकती है? मनाहिल तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं यार, हम सना की कॉल आई थी कि वो ऊपर गिर गई है। देखो मनाहिल झूठ मत बोलो, कोई सोते हुए फोन कैसे कर सकता है? हाँ मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप खुद ही देखिए। बस चलो नीचे। और हम मेरा यकीन कीजिए, मुझे सना ने। मनाहिल मैंने कहा नीचे चलो। हाँ लेकिन हम। मनाहिल अम्मी मैंने ना सना के मोबाइल से मनाहिल को फोन किया और उसे इतना घुमाया कि पूछे मत। ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। बड़ी बात नहीं हुई? हुई ना अम्मी, मैंने उसे सबसे ऊपर वाली छत पर पहुंचा दिया था और अरहाम तो बहुत खफा था उससे। पूछे जरा इससे, अगर इसका वहां से पैर स्लिप हो जाता तो। मनाहिल क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरहाम ठीक कह रहे मनाहिल, कोई काम था तो तुम किसी से कह देती, खुद क्यों गई छत पर? मैं खुद नहीं गई थी खाला, मुझे सना ने कॉल करके बुलाया था।